नमस्कार, लोकमत हिंदी में आपका स्वागत है। मैं काशी से आचार्य पंडित धीरेन्द्र मनीषी इस कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में हमारी माताओं बहनों के सौभाग्य के लिए एक व्रत किया जाता है जिसे करक चतुर्थी या करवा चौथ कहते हैं। उस करवा चौथ का क्या महत्व है और उसके पूजन की क्या विधि है, व्रत की क्या विधि है, इन सभी विषयों को लेकर मैं आपके बीच समुपस्थित हूँ। करवा चौथ को करक चतुर्थी की संज्ञा दी गई है। इसकी व्रत की महिमा हमारे वामन पुराण में बताया गया है। इस व्रत को हमारी माताएं बहनें अपने पति के दीर्घायु की कामना हेतु एवं अपने अखंड सौभाग्य की प्राप्ति हेतु करती हैं। कार्तिक कृष्ण पक्ष के चतुर्थी के दिन यह व्रत करक चतुर्थी के नाम से पूरे विश्व में विख्यात है। इस दिन चंद्रोदय होने के बाद चंद्रमा का दर्शन कर उनको अर्घ देने की बात और व्रत तोड़ने की बात बताई जाती है। करवा चौथ के दिन माताएं बहनें जिन्हें अपने पति के दीर्घायु की कामना और अखंड सौभाग्य की कामना हो, वे उस दिन निर्जला व्रत रहें। प्रयास करें कि हम दिन में जल भी न पिएं। जब तक हम चंद्रोदय होने पर अर्घ न दे लें तब तक हम जल भी न पिएं। यदि ऐसा संभव हो जाए तब ठीक है। ऐसी माताएं बहनें जो रुग्ण अवस्था में हैं, जिन्हें कोई दवा आदि खाना हो, तो बालक और रोगी के लिए व्रत में छूट मिलती है तो वे दवा आदि त्याग न करें, नहीं तो स्वास्थ्य की हानि हो सकती है। लेकिन जो माताएं बहनें स्वस्थ हैं और करवा चौथ का व्रत करती हैं, उन्हें यह चाहिए कि वह निर्जला व्रत रहें और उस दिन सूर्यास्त के बाद बाजार में करवा चौथ की तमाम तरह के चित्रों का फोटो मिलता है वह दीवार पर लगा लें। हालांकि माताएं बहनें दीवार पर ही चूड़ी, बिंदी, गाय और तमाम तरह के छोटे छोटे खूब सुंदर सुहाग की जो चीज़ें हैं उनका चित्र बनाती हैं और बनाने के बाद उनका पूजन करती हैं। मुख्य रूप से करवा चौथ के दिन, करक चतुर्थी के दिन सायंकालीन प्रदोष काल में भगवान शंकर का, माँ पार्वती का विशेष पूजन का महत्व है। उनके साथ ही साथ स्कंद भगवान, भगवान कार्तिकेय के पूजन का विशेष महत्व है और चंद्रमा के पूजन का विशेष महत्व है। तो उस दिन भगवान एक मिट्टी की वेदी पर पीपल का वृक्ष यदि आपको गमले आदि में मिल जाए तो उसे उस वेदी पर रखें। भगवान शिव की, माँ गौरी की मिट्टी की मूर्ति मिल जाए तो वह आप रख लें, स्कंद भगवान का मूर्ति मिल जाए तो आप रख लें। साथ ही साथ चंद्रमा मन के कारक होते हैं तो चंद्रमा का भी पूजन करने की बात बताई गई है। ऐसा पूजन आपको करना है। पूजन करने से पहले संकल्प करना आवश्यक होता है, तो संकल्प करते समय यह ध्यान देना है कि हाथ में गंध, अक्षत, पुष्प, जल आदि लेकर बोलना है कि मम सुख सौभाग्य पुत्र पौत्रादि सुस्थिर श्री प्राप्ते करक चतुर्थी व्रतम अहम करिष्ये। ऐसे संकल्प करके फिर जो है भगवान शिव का, माता गौरी का, स्कंद का, भगवान कार्तिकेय का पूजन और चंद्रमा का पूजन षोड़शोपचार पंचोपचार करते हुए और चंद्रमा को अर्घ देना चाहिए और अर्घ देने के बाद तब जो है व्रत तोड़ने की बात हमारे शास्त्रों में बताई गई है। यह व्रत कोई कपोल कल्पित व्रत नहीं बल्कि महाभारत काल के पूर्व का व्रत है। एक कथा भी आता है कि शाकप्रस्थपुर के बेधर्मा ब्राह्मण थे जिनकी विवाहिता पुत्री थी। उस विवाहिता पुत्री का नाम वीरवती था।
तो वीरवती ने इस करक चतुर्थी के व्रत को किया था, उससे थोड़ी गलती हो गई थी जिसके चलते वह पति को प्राप्त नहीं कर पाई थी, और बाद में उसने इस व्रत को भगवान के सामने संकल्प करके किया और उसे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति हुई। तो ऐसी कथाएं हमारे पुराणों में वर्णित हैं। तो आज करक चतुर्थी के दिन, करवा चौथ के दिन, आप संकल्प पूर्वक भगवान शिव, माता शिवा, माता गौरी, स्कंद भगवान, चंद्रमा का पूजन करें। और प्रार्थना कैसे करना है वह भी एक मंत्र है, नमः शिवाय सर्वाणि सौभाग्यम संततिम शुभम प्रयक्ष भक्ति युक्तानाम नारीणाम हरवल्लभे। यह प्रार्थना का मंत्र है। ऐसे प्रार्थना करते हुए चंद्र को अर्घ देकर करवा चौथ के व्रत का की पूर्णता सभी माताओं बहनों को करनी चाहिए। इस वर्ष 2022 में करवा चौथ का जो पर्व है, वह व्रत है, वह 13 अक्टूबर बृहस्पतिवार के दिन है। तो जो माताएं बहनें करवा चौथ का व्रत रखती हैं वह निर्जला व्रत रहें, और सायंकालीन शिवा माँ पार्वती का पूजन करने की बात कही गई है, स्कंद भगवान और चंद्रमा का पूजन विधि पूर्वक करने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है, ऐसा हमारे शास्त्रों में विदित है। मैं सभी माताओं बहनों के स्वास्थ्य की कामना और उनके अखंड सौभाग्य की प्राप्ति हेतु विश्वेश्वर विश्वनाथ से प्रार्थना करता हूँ कि सभी सुखी और सानंद रहें। इसी कामना के साथ जय श्री हरि, जय विश्वनाथ।